इतनी सलाहते हो जितनी मिसबा साहब ने, और मैं आपको मिसबा मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा लीड किया, और वी आर प्राउड ऑफ यू एंड वी विल ऑलवेज रिमेन प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आपने जिधर भी जाना है आपने टीम को लीड करना है। T20 में भी जो लीड कर रहा है उसके लिए भी आपके दुआएं होनी चाहिए। तो T20 में जो बोर्ड ने फील किया कि हम मोहम्मद हफीज़ को उसका कैप्टन करें, और दोनों की बहुत आपस में पहले भी अंडरस्टैंडिंग थी, और ये मिसबा साहब की अपनी भी ख्वाहिश थी कि अगर मेरे पीछे कोई हो तो वो हफीज़ ही एक ऐसा है जिस पर इनका भी कॉन्फिडेंस हो। तो इसमें जो चीज़ भी है उनमें इनकी आशीर्वाद और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक है, और इसमें जो इनका अपना है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहें कि जी किसी और वजह नहीं, इनकी जो है वह वोट है, और इंशाल्लाह ये भी पाकिस्तान के लिए, अपनी टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उससे बेहतर देंगे, और अगर रफीज साहब भी आ रहे हैं तो वो भी अपनी परफॉर्मेंस इसमें बेहतर देने की कोशिश करेंगे, और दोनों ने एज अ एक गाड़ी के जिसका चार पहिए होते हैं उनमें दो इम्पॉर्टेंट जो पहिए होते हैं वो ये दोनों होंगे, और ये दोनों मिल के चलेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसमें अपनी एक कोऑर्डिनेशन एक और दूसरी चीज़ है कि डिसिप्लिन की वायलेशन मैं कभी भी पसंद नहीं करूँगा। हमें जितनी बड़ी भी कोई कीमत देनी पड़ेगी वो हम देंगे, डिसिप्लिन पे कोई टॉलरेट नहीं होगा। जो बोर्ड ने फैसला कर दिया दे ऑल हैव टू फॉलो, और एज अ टीम चलना पड़ेगा एक बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ, ताकि ये ना हो कि कोई और इस टाइप की कोई चीज़ हो, तो वो बिल्कुल इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस मौके पे आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह।